बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे कहानी प्यासा कौवा। आज हम इसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी, आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। उसने पास पड़ी कंकरियाँ गड़े में डाली, जिससे पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भर कर पानी पिया और उड़ गया। प्यारे बच्चों, अखलाकी सबक देखिए, इसको हम अखलाकी सबक भी कह सकते हैं और नतीजा भी कह सकते हैं। ज़रूरत इजाद की माँ है। डायरी देखिए, आप लोग ने मुकम्मल कहानी याद करनी है और लिखनी है। लिख के अपने वालदैन को ज़रूर चेक करवाइए। इजाज़त देंगे।